भाई मैं ओमकार। यहाँ पे आप डिज़ायर देख सकते हैं कैसी पार्क हुई हुई है जो आपने निकालनी है अभी, और इसके साथ मैंने व्लॉग किया है अभी, तो उसको लेके मैं जाने वाला हूँ किसी और जगह, काफ़ी एक्साइटिंग हो फिलहाल। तो खैर, तो यहाँ पे तो पार्क है गाड़ी, और मुझे जाने के लिए सबसे पहले गेट खोलूँगा। खैर चाबी तो कहाँ गई, मेरे पॉकेट में तो होती है, क्योंकि ये ना VXI मॉडल है, बेस वेरियंट्स के ऊपर का मॉडल है। तो यहाँ पे ऐसे मैनुअल लॉक अनलॉक वाला बटन आता है, यहाँ पे नॉर्मल सी की आती है, कोई कीलेस एंट्री पुश स्टार्ट बटन नहीं आता है। यहाँ पे मैंने सिंपल सी अनलॉक की और लेट्स गो टू कार। पहले सबसे पहले गेट खोल लेते, दरवाज़ा मैंने ऑन कर दिया और उसके अंदर जा रहा हूँ। तो देखो यार कैसे इंटीरियर लाइट्स दिख रही है यार, गजब लग रही है हमारी डिज़ाइन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे की है, कोई पुश स्टार्ट बटन नहीं है, मैंने दिखाई थी, यहाँ पे सिंपल सी की लगानी पड़ती है। और ये क्या स्टार्ट ही नहीं हो रही है, क्योंकि ये BS6 व्हीकल है, इसलिए अब क्लच दबाना पड़ता है। सबसे पहले क्लच दबाओ, उसके बाद स्टार्ट करो, और उसके बाद ये जो लैम्प्स है वो बंद करो, क्योंकि मैंने मैनुअल भी चालू रखे है। और ये डिज़ायर का फिलहाल इंटीरियर है। तो मैंने एक चीज़ इस गाड़ी में ज़बरदस्त की हुई है, वो सबसे पहले मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, जो है इसका एटमॉस्फेयर लाइट। क्या गर्म हो रहा है यार गाड़ी में, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, क्योंकि AC चालू नहीं है। आपने नोटिस किया होगा, मैं सबसे पहले AC चालू कर देता हूँ। तो मैंने AC चालू किया, इसके लिए ऑटो डिमिंग लाइट्स चालू कर देता हूँ। ये लाइट्स हैलोजन के बल्ब पे आप देख रहे होंगे, कोई टॉप एंड वेरिएंट के जो HID वगैरह लाइट्स आती है वो नहीं है, ये हैलोजन बल्ब था सिंपल से। और डीम लाइट्स चालू हो गई, तो मैं सबसे पहले AC ऑन कर देता हूँ। ये बटन है, AC ऑन हुआ और थोड़ा काफ़ी चिल्ड आउट कर देते हैं, क्योंकि रात का मौसम है, एक तो विंटर सीज़न चालू शुरुआत हुई है, तो बहुत ही ज़्यादा ना मतलब दिल को छा जाती है गाड़ी, इतनी ठंड कर लेती है। जब गर्मी का मौसम आता है ना, तो इतना ठंडा नहीं करती है, थोड़ी 15-20 मिनट तो लेती है पूरी गर्म हो। तो पहले हम जाते हैं रिवर्स मार लेते हैं, और रिवर्स जाने के बाद हम पार्किंग लॉट से ना बाहर निकालते हैं और किसी ऐसे जगह जाते हैं, ऐसे एक्साइटिंग जगह जाते हैं व्लॉग करने के लिए, वो जगह सबसे अच्छी होगी। वो यहाँ पे हम रिवर्स सिंपल कर रहे हैं गाड़ी को, रिवर्स करने में काफ़ी मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, सिंपल सा क्लच हाफ छोड़ दो, गाड़ी ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेती है, क्योंकि ज़बरदस्त लगता है यार, मतलब क्या गज़ब एंट्री है गाड़ी की। रात में एटमॉस्फेयर लाइट इतनी झन्नाटेदार दिखती है ना, ये देखो अभी मैंने फ्लैश चालू किया है फिलहाल, तो फ्लैश में ऑन कैमरा बंद नहीं कर सकता, लेकिन इतनी सुपर्ब लग रही है भाई, इतनी गजब लग रही है। और ये लाइट का रिमोट यहाँ पे है, तो हम चेंज भी कर सकते हैं इसको, मतलब ये येलो हो सकता है, ये अभी देख लो, ये रिमोट इंगेज है, ये येल्लो हो गया। टेल लाइट्स दिखाई दे रहे हैं ना, LED DRLs टेल लाइट्स, वो गज़ब लग रहे हैं भाई। मतलब अभी मैं रात का समय है, तो ज़्यादातर के ब्लॉगर जो होते हैं, वो कोई भी ब्लॉगर रात में ज़्यादातर शूट नहीं करता। आप तो शहर जानते होंगे कि कितना प्रॉब्लम होता है अल्ट्रा वॉलेट का, ISO का, तो ज़्यादातर से मेरा तो फिर आईफोन नहीं है, एंड्रॉयड है, तो उतना आप झेल ही सकते हो, मतलब क्या ही क्लियरिटी आएगी, ठीक ठाक आएगी, जब अपलोड करेंगे तब देख लेंगे। या फिलहाल मैं ओपन करता हूँ डोर और अंदर घुसता हूँ। अंदर घुसने के बाद पहले एटमॉस्फेयर लाइट ऐसे वेलकम करती है, खींचना भी नहीं पड़ रहा है, सिर्फ एक उंगली पे चल रही है गाड़ी यार, मज़ा ही आता है। मतलब एक दो मोटरसाइकिल आते हैं अभी फिलहाल, फोर व्हीलर आ रही है, तो एक दो फोर व्हीलर ही आते हैं आप, फिलहाल मैं लोअर लगाता हूँ बीम, तो ये एक दो फोर व्हीलर ही आ पाते हैं यार, देख सकते हो आप। तो मैंने लोअर लगाया और अभी मैंने फिर से अपर लगा दिया, अभी एक देखो, एक जाने के बाद भाई खाली पड़ा हुआ है रोड, ओ थोड़े बीच बीच में ना अनसेटल्ड रोड है, बीच में गड्ढे बहुत है, तो सिंपल से मुझे राइट जाना है, यहाँ पे कर्व आ गया है, मैंने राइट मोड़ता हूँ, एक दो फोर व्हीलर ही आ पाते हैं यार, देख सकते हो आप। तो मैंने लोअर लगाया और अभी मैंने फिर से अपर लगा दिया, अभी एक देखो, एक जाने के बाद भाई खाली पड़ा हुआ है रोड, ओ थोड़े बीच बीच में ना अनसेटल्ड रोड है, बीच में गड्ढे बहुत है। तो यहाँ पे देखे, ये पुराना वाला, खैर ये नया वाला गैरेज तो मैंने सेटअप दिखाया था, वो बीच में लगाते हैं हम, डिज़ायर दो वैन के बीच में लगती है, तो यहाँ पे एक जगह खाली पड़ी है, तो यहाँ से पिक की थी ड्राइवर ने गाड़ी, कुछ सर्विस रिलेटेड कुछ करने के लिए, तो यहाँ पे वैन एक खड़ी है, तो ये तो फिलहाल ट्रांसपोर्ट इधर उधर सामान ले जाने में ही इस्तेमाल होती है, तो ये वैन अगर हमें कुछ लंबा खींचना हो, कुछ लंबा सामान वगैरह सफ़र तय करना हो, तो ये वैन लेके जानी पड़ेगी। डिज़ायर तो नहीं है तो वो चला नहीं सकते। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।